अस्सलाम वालेकुम। आप जैसे आपको पता है कि 2024 के पेपर जो है वो PPSC के चल रहे हैं और जो है ये पेपर जो है वो कल हुआ है अकाउंट ऑफिसर पंजाब मैस ट्रांसफर डिपार्टमेंट का। और ये जो पेपर था इसके अंदर जो है वो 20% जो है वो GK के क्वेश्चन थे। तो जो क्वेश्चन हमें हमारे स्टूडेंट के थ्रू मिले हैं तो ये उस वीडियो उन तमाम क्वेश्चन के ऊपर है। अब सबसे पहले वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस वर्क ऑफ मॉडर्न IPE। ठीक है, अगर मैं आपसे ये जो है अब इसमें जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये IPE। IPE स्टैंड फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब ये जो वर्क है ये सबसे ज्यादा जो है सबसे पहली दफा जो किया गया वो बुक है पावर एंड इंटरडिपेंडेंस उसके अंदर। या ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, विच US थिएटर लेवल यूनिफाइड कॉम्बैटेंट कमांड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, कि जो उनका डिफेंस का ये जो है डिपार्टमेंट ये इसका नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सेंटकॉम। ये 1893 के अंदर जो है वो बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर किधर है, फ्लोरिडा में। ठीक है, ये एडिशनल MCQs हैं जो अगले क्वेश्चंस में भी जो एग्जामिनर है वो पूछ सकता है। अब उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, पेपर क्लिप सेंड विद एन ईमेल इंडिकेट। अब पेपर क्लिप क्या होता है, ऐसे जो है ना आपको पता है व्हाट्सएप में ईमेल में फेसबुक पे एक सिंबल शो कर रहा होता है। ये शो किस चीज को शो कर रहा होता है, कोई भी आपने फाइल टेक्स्ट वीडियो किसी चीज के साथ अटैच करके किसी दूसरे बंदे को भेजनी है तो उसका जो ये पावर क्लिप का जो सिंबल है वो इंडिकेट करता है किसको, अटैचमेंट को। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है उमर पेड ₹7895 अशर एट रेट 10%, व्हाट अमाउंट एक्चुअल। अब एक्चुअल अमाउंट निकालने का सबसे इजी तरीका क्या होगा, लाइक अगर आप एक सेकंड में इसका जवाब निकाल लें, अब आपने उसने पे किया 10% पे, 10% पे अगर आप शॉर्ट ट्रिक देखेंगे जो गिवन अमाउंट होगी आप उसके साथ एक जीरो ऐड कर दें आपका आंसर आ जाएगा। अब उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि सर कुछ बच्चे होते हैं जिनका मैथ थोड़ा कमजोर होता है, अब वो क्या करेंगे, जो अब लेट से ये ऑप्शन हमें गिवन है मैं इसका 10% निकालूंगा, जितनी भी चार ऑप्शन है उनमें से कोई भी ऑप्शन पकड़ी और उसका 10% निकाला। 10% क्या है, उस अमाउंट को 10 से मल्टीप्लाई करो, परसेंट का मतलब होता है 100 से डिवाइड करो। ये जीरो जीरो से कैंसिल, ये जीरो से कैंसिल, पीछे हमारे पास अमाउंट क्या हुई कि इतना अशर जो उसने पे किया। अब क्वेश्चन क्या था कि उसने इतनी अमाउंट पे किया और हमने एक्चुअल अमाउंट बता ली थी, तो जब हमारे पास 10% ये आया तो एक्चुअल अमाउंट क्या होगी, 7895। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड द ओड वन, कि एक आपको नंबर सीरीज दी गई है और उसमें आपने जो बताना है कि इसका जो है वो क्या, इसमें जो है एक नंबर जो है वो गलत है। अब आप सीरीज के ऊपर अगर गौर करें हर नंबर के अंदर जो डिफरेंस है वो 200 का, 200 का। अब आप देखें 140 में 200 ऐड किए 340 में 200 ऐड किए 540 में 200 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए था 740, लेकिन यहाँ पे क्या मेंशन है 730, तो ये जो है इसमें हमें लग रहा है कि ओड है। अगर आप अगली दोनों टर्म्स देखें तो वो 740 के अकॉर्डिंग ही चल रही है, 740 प्लस 200 940, 940 प्लस 200 1140। ठीक है, तो हमने क्या बताना था, फाइंड द ओड वन, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 730। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, टोटल एरिया ऑफ बलूचिस्तान, पाकिस्तान के आपको पता है चार सूबे हैं और अब उसने जो है वो बलूचिस्तान सूबे की परसेंटेज पूछी हुई है कि पाकिस्तान के टोटल एरिया के अंदर बलूचिस्तान प्रोविंस का कितना परसेंट एरिया है। तो जो ऑफिशियल इसका एरिया है दैट इज 43.6%। अब अगर ऑप्शंस देखें तो इसमें कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। अब अगर वो टोटल एरिया बलोचिस्तान पूछ सकता है, माइट भी वो नेक्स्ट क्वेश्चन में टोटल एरिया ऑफ सिंध पूछ ले, उससे अगले क्वेश्चन में टोटल एरिया ऑफ पंजाब पूछ ले जो कि 25.6% है, तो आप पंजाब, KPK, सिंध, बलोचिस्तान ये सारा एरिया जो है
और नोट कर लें, अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लें, सो दैट आपके आगे जो क्वेश्चंस हैं अगर वो इसको एक्सटेंड करें तो आपके कवर हो। अब इससे हमारा अगला क्वेश्चन पेपर में क्या था, मकली ग्रेवयार्ड। मकली ग्रेवयार्ड कहाँ पे है? मकली ग्रेवयार्ड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो ग्रेवयार्ड कंसिडर किया जाता है, ये ठट्ठा के अंदर है जो कि सूबे सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये उसकी जो है वो पोजीशन पूछी गई थी कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद ये यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट के अंदर 1981 में इसको जो है यूनेस्को की लिस्ट के अंदर जो है वो रजिस्टर किया गया एज ए यूनेस्को हेरिटेज। उसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास रियल नेम ऑफ पाकिस्तान एक्टर संतोष कुमार। संतोष कुमार जिसको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का फर्स्ट रोमांटिक एक्टर भी कहते हैं, ये इसका टाइटल है। इसका असल नाम क्या था? इसका असल नाम था सैयद मूसा रजा अब्बास। तो सैयद मूसा रजा का जो ऑप्शन है वो पेपर के अंदर गिवन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, रिसाला मुजाला फनून किसके अदालत में जारी किया गया। अब आपको पता है कि ये जो रिसाला है ये किस इंसान से लिंक्ड है, वो अहमद नदीम कासमी से लिंक्ड है। अगर आप इसकी एडिशनल कोई चीज प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप विकिपीडिया या गूगल के ऊपर अहमद नदीम कासमी देखें और इसके नोटेबल वर्क्स के नाम पढ़ लें और आपको वही नोटेबल नाम के वर्क्स जो है उसके ऊपर एमसीक्यूज पीपीएससी के अंदर जो है एक के बाद एक रिपीट नजर आएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हसन नजामी की फेमस तस्वीर सिपाहे दिल का मजमून का मौजू क्या है। अब इसमें जितने भी मजामीन है वो तसव्वुफ का जो है ना उसमें जिक्र है। तो ये ऑप्शन पेपर के अंदर गिवन था। अब नेक्स्ट पेपर में जो है अगर एस्पिरेंट इस सवाल को प्रिपेयर कर रहा है तो उसको माइंड में रखना चाहिए कि वो नेक्स्ट टाइम ये किताब का नाम देके पूछ सकता है कि ये बुक किसकी है। तो इसी तरह जो है वो पास्ट पेपर्स को करना है आपने, जिस तरह आपको जो है वो बताया जा रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है अ नैरो पीस ऑफ लैंड सेपरेटिंग टू वाटर बॉडीज एंड कनेक्ट टू लैंड मैसेज। इसको क्या कहते हैं, ये आपको पता है कि पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, इसको अस्तमस कहते हैं। और अगर इसके अलावा जो टू वाटर बॉडीज को जो है वो सेपरेट कर रहा है वो जो है उसको कहते हैं स्ट्रेट, सॉरी जो स्ट्रेट होती है उसको कहते हैं जो टू वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहे हो, जैसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, स्ट्रेट ऑफ मलाका है। तो इस्तेमाल से जो टू वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है और टू लैंड मैसेज को जो है वो कनेक्ट करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, बॉर्डर लाइन एरिया बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एट सर क्रीक डिस्प्यूटेड एरिया ऑफ सिंध इज कॉल्ड। अभी जो बॉर्डर लाइन है सर क्रीक जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का एक बॉर्डर डिस्प्यूट है। इसकी जो टोटल लेंथ है सर क्रीक की वो 96 किलोमीटर है। ये पाकिस्तानी सिंध और इंडियन गुजरात के दरमियान सिचुएटेड है और ये हमारा जो इश्यू है जो है वो डिस्प्यूट चल रहा है। और इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज ग्रीन लाइन। पेपर में ऑप्शन था रेड लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, तो ग्रीन लाइन जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच एनर्जी प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर फिशन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। आपको पता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या है कि एक यूरेनियम का जो बड़ा पार्टिकल है वो उसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट के बाद वो दो छोटे उनके अंदर स्प्लिट हो जाता है। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो थर्मल एनर्जी होती है जिसको हम आगे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर जो वो यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द पुलिस आर डैश द इंसिडेंट। अब आपके पास ये ऑप्शंस थी लुकिंग इनटू, लुक फॉर, लुकिंग फॉर, लुकिंग आउट। तो ये जो है लुक के फ्रेजल वर्ब्स गिवन है। अब लुकिंग इनटू का मतलब होता है जो कि इसका राइट ऑप्शन है किसी भी चीज को विद फैक्ट जो है वो एग्जामिन करना। तो जो पुलिस है वो जो इंसिडेंट हुआ है उसको क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसके अंदर जो है विद फैक्ट्स देख रही है। अब उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन क्या है, नरेशन के ऊपर आ गया, कैप्टन सेड टू देयर मेन स्टैंड एट ईज। तो जो कैप्टन है जो आर्मी पर्सन है वो आपको पता है कि ये अपने सोल्जर्स की कमांड करते हैं। तो जो वर्ड यूज होगा कैप्टन कमांडेड देयर मेन टू स्टैंड एट ईज, ये ऑप्शन अवेलेबल था पेपर के अंदर, तो ये आपका जो है वो ठीक ऑप्शन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, द थिंग विच इज इजिली ब्रेकेबल। तो जो चीज जो आसानी से टूट जाए उसके लिए जो है वर्ड यूज किया जाता है ब्रिटन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास विच ये स्टैंड्स फॉर। अब आपको पता है कि ये मेजॉरिटी अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं अगर आप इसका एनालिसिस देखें तो ये 20% जीके जितना भी आया है ये पीपीएससी के पास पेपर से आया है।
लास्ट 3 to 4 ईयर्स के जो पेपर है सारे क्वेश्चन उसके अंदर अवेलेबल आएंगे। VGA स्टैंड फॉर वीडियो ग्राफिक अरे, और इसके अलावा अगर आपने देख रहे हैं आप URL का देख लें, HTML का देख लें, HTTP का देख लें, IP का देख लें, LAN का देख लें, उसके बाद जो है आप WAN को देख लें, ठीक है। ये वो टर्म्स हैं जो PPSC एग्जामिनर कंप्यूटर के सब्जेक्ट के अंदर पूछता है, और ये सारी आपको कहां पर नजर आएंगी, आपको इजीली लास्ट 3 to 4 ईयर जो PPSC के पास पेपर्स हैं उनके अंदर ये अवेलेबल है। अब इस पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन आया है वो इंग्लिश का क्वेश्चन है, वो क्या है, द फॉलोइंग इज विच टाइप ऑफ सेंटेंस। तो आपको पता है सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अभी क्वेश्चन क्या है, आई नो वाई पीपल आर मेकिंग नॉइस, ठीक है। अब इसमें ये जो वाई है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एज अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज हुआ है सेंटेंस के अंदर, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन जिस चीज में हो उस सेंटेंस को जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो ये वो पेपर था जो अकाउंट ऑफिसर का हेल्ड हुआ है, और इसका 20% GK जो हमें रिसीव हुआ है ये वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो होपफुली जो नेक्स्ट पेपर्स होंगे आपको हमारे चैनल के ऊपर ये वीडियोज इसी तरह मिलती रहेंगी, और जो है बच्चों मेहनत करते रहो, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे।